नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ स्टोर 24 में। तो आज हम बात करने वाले हैं वन प्लस के नए स्मार्टफोन के बारे में। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है वन प्लस का ये नया स्मार्टफोन। वन प्लस 9RT भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में इसे BIS पर अप्रूवल के लिए लगाया गया था। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वन प्लस 9R भारत में वन प्लस 9 सीरीज के साथ ही लॉन्च किया गया था। अब कंपनी वन प्लस 9RT लॉन्च करने की तैयारी में है। हालांकि कंपनी ने अभी इसके टीजर जारी नहीं किया है, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां आने लगी हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की वेबसाइट पर हाल ही में OnePlus की तरफ से एक नए स्मार्टफोन को अप्रूवल के लिए रखा गया था। इसे अप्रूवल मिल चुका है। इसे मॉडल नंबर MT2111 के नाम से देखा गया है। हालांकि इस वेबसाइट से OnePlus के अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अब BIS पर इसे देखा गया है। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि OnePlus 9RT को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। वन प्लस 9RT में 120Hz की रिफ्रेश रेट स्क्रीन दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट दिया जाएगा। इसे 8 या 12 GB रैम वेरिएंट के साथ भारत में लॉन्च किया जा सकता है। लीक डिटेल के मुताबिक वन प्लस 9RT में 4500mAh की बैटरी मिलेगी और इसके साथ 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। इन सब के अलावा जाहिर है इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। वन प्लस 9RT में रियर कैमरा सेटअप करने की उम्मीद है। प्राइमरी लेंस 50MP का हो सकता है, जबकि दूसरा 16MP का होगा। इसके अलावा 2MP का लेंस होगा। OnePlus 9RT को कंपनी सितंबर के आखिर या अक्टूबर की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। इसे कंपनी मिड रेंज सेगमेंट में ही रखेगी और गेमिंग लवर्स को भी इससे टारगेट किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो और भविष्य में ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।